मेवात इलाके से गोकशी रोकने के लिए जगह जगह महापंचायतों का दौर जारी है। दरअसल सबसे पहले हिंदू की महापंचायत के बाद बाई गांव के लोगों ने एक पंचायत कर ये फैसला लिया कि किसी भी तरीके से अपने गांव में गोकशी नहीं होने दी जाएगी और जो लोग गोकशी करेंगे उनका साथ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सभी थानों के अंतर्गत टीम गठित करवाई और ये कहा गया कि जो लोग गोकशी करते हैं उनके ऊपर पैनी नज़र होनी चाहिए और गोकशी करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब लिंगा गांव के शमशेर चेयरमैन ने भी लोगों से आह्वान करते हुए कहा है कि जो गोकशी करते हैं वो बाज आ जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे मेवाती नौजवान हैं, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। ऐसे में सिर्फ उचित यही है कि आप गोकशी करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आइए एक नज़र डालते हैं शमशेर चेयरमैन के इस वीडियो पर। हम आपका शमशेर चेयरमैन कौन सा गाँव है? लोहिंगा गला। जी, आपने एक मुद्दा उठा रखा है कि गांव में गौ तस्करी नहीं होने देंगे, इसको लेकर आपकी पंचायत भी हुई थी कुछ दिन पहले, उस पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? ये पंचायत में ये निर्णय लिया जी, ये जैसे दाढ़ी टोपी वाला की हर जगह बेइज्जती हो जाती है इसी मामले से, और हमारा 12 बंदा नाजायज भी उठ गए, पुलिस लेगी उठा गए। उसमें जब पुलिस नाजायज लेगी तो सुबह हम उसको छुड़ा के लाए, दूसरे दिन पंचायत इसीलिए निर्णय लिया क्योंकि ये गौ तस्करी का मामला या चोरी की बाइक या मामला पे ये बेइज्जती हो रही है, नाजायज बंदर ने उठा रही है पुलिस, इसलिए निर्णय लिया है। तो ये गौ तस्करी जो लोग करेंगे आपके बाद उनको ऊपर कितने रुपए का दंड है? 51,000 रुपए का दंड कराई, 51,000 का जुर्माना है और पुलिस को भी पकड़ के दिया जाए।